जनपद संभल के चंदोसी विधानसभा क्षेत्र से सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत भेजोई विकास खंड के ग्राम पंचायत सदातबाड़े के धीमरवाली मंदिर के मैदान पर आज से शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्रिकेट प्रतियोगिता की आयोजन कमेटी ने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं कमेटी को धन्यवाद देती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये खेल युवाओं में काफी लोकप्रिय है, मैं चाहती हूं कि युवा इस खेल में आगे बढ़े और क्षेत्र के साथ साथ देश प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे मौका देते हैं तो मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर के लिए कुछ करूँ। सभी भीमरवाली सरदवाड़ी गाँव वालों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और ये जो कमेटी है टूर्नामेंट की, इस कमेटी ने मुझे बुलाया, इस कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये टूर्नामेंट जो हमारे युवाओं का एक लोकप्रिय खेल है और हमारे युवा लगातार इस खेल को और ज़्यादा लोकप्रिय बना रहे हैं और मैं चाहती हूँ जो हमारे युवा हैं बहुत आगे तक जाएं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें, जिससे कि हमारा भी नाम होगा और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा कि हमारे युवा बहुत आगे तक पहुँच रहे हैं। ये जो गाँव है धीमरवाली, इस गाँव में शिव जी का मंदिर है। और देखिए ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, आज मैंने देखा था मंदिर पर कोई इन्होंने विकास नहीं किया है और ये मंदिर के नाम वोट मांगते हैं। मैं चाहती हूँ अगर मुझे राष्ट्रपति जी मौका देते हैं तो मैं उस मंदिर के लिए कुछ सहायता करूँ।